क्या आपको पता है कैसे विदेशियों ने चुराया 3000 साल पुराना सर्जिकल साइंस? भारत के वाराणसी शहर में 2800 साल पहले लगभग 800 BC में जन्मे महान संत सुश्रुत। उन्होंने उस समय ऐसे ऐसे हैरान करने वाले प्रोसीजर्स किए थे जो आज भी लोगों को चौंका देती है, जैसे कि ब्रेन सर्जरी, आई कैटरेक्ट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और अन्य कई और तरह के सर्जरीज। कई बार मानव शरीर रचना को समझने के लिए वे मृत शरीर को तालाब में डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते थे और बाद में उसी शरीर को लेयर बाय लेयर समझते थे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और ज्ञान को उन्होंने सुश्रुत संहिता में वर्णित किया है। उन्होंने 120 सर्जिकल इक्विपमेंट्स का आविष्कार किया है जो कि आज भी पूरे विश्व में प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने हजारों साल पहले वे बिना एनेस्थीजिया के सर्जरी करते थे, माइल्ड अल्कोहल के प्रयोग से, जिससे पेशेंट को उतना ही नशा हो जिससे उसे दर्द ना हो। सुश्रुत संहिता में उन्होंने कई बीमारियों, उनके इलाज, उनकी सर्जिकल प्रोसीजर्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स के बारे में उल्लेख किया है। इस रिसर्च बुक को जर्मन, लैटिन, अरबिक भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है और आज भी ये मॉडर्न सर्जिकल साइंस का बेस है। पर दुर्भाग्यवश सुश्रुत को उनका पर्याप्त श्रेय कभी नहीं मिला। इसलिए इस वीडियो को गर्व से शेयर करें और हमारे देश के सच को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें।